नमस्कार दोस्तों, आपको जो स्क्रीन पे कुछ फोटोज दिख रहे हैं, पिक्चर्स दिख रहे हैं, वो मैंने पिक्चर आप लोगों को डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए लगाया है। ये पिक्चर ये सिम्बलाइज करता है कि मास एक्सटिंक्शन के बारे में। तो अभी हाल में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि किस तरह से कार्बन का जो एमिशन है वो मास एक्सटिंक्शन से रिलेटेड है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले कि ये रिपोर्ट किसने पब्लिश किया, रिपोर्ट में क्या है और क्या की फाइंडिंग्स है, कैसे जो कार्बन एमिशन है मास एक्सटिंक्शन से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इसको पब्लिश कौन किया, रिपोर्ट को रिलीज कौन किया, डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया। किस चीज़ को लेकर, तो कार्बन एमिशन और उसके अवेलेबिलिटी पर एक रिपोर्ट डाला है। ये देखिए आप लोगों को वो एक स्टडी का जो न्यूज़पेपर ऐसा कटिंग है या क्लिप दिया हुआ है, इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे जो पास्ट में जो एक्सटिंक्शन हुआ है, ह्यूमन एक्सटिंक्शन या कोई भी एनिमल एक्सटिंक्शन कर सकते हैं, वो जो कैसे जो लार्ज लेवल पे मास लेवल पे जो एटमोस्फेरिक CO2 रिलीज होता है उससे कैसे रिलेटेड है, तो वो उन्होंने स्टडी करके पता किया। तो चलिए हम लोग इस रिपोर्ट के कुछ की फाइंडिंग्स को जानते हैं। तो सबसे पहली बात, रिपोर्ट का की फाइंडिंग ये था कि लेस देन 1%, मात्र 1% से कम जो है जो कार्बन है वो अपने प्लानिट के सरफेस के अभाव पाए जाते हैं। मतलब बेसिकली 99% कहाँ होते हैं, अपने अर्थ क्रस्ट मतलब सरफेस के अंदर होते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखना है वो कि 1% से कम जो है वो कार्बन सरफेस के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि 1.85 बिलियन गीगा टन जो कार्बन है वो कहाँ पर ट्रैप्ड है, कहाँ पर है, तो अपने प्लानट का जो क्रस्ट है और मेंटल वहाँ पर ट्रैप्ड है। उसके लिए यहाँ पर ये कहता है कि जो कार्बन जो पाए जाते हैं ओशन में, लैंड्स में, एटमॉस्फेयर में, उसके अधिक से अधिक पार्ट हम लोग कहाँ से वो कार्बन मिलता है, वो कार्बन ह्यूमन एक्टिविटी के कारण डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन जो लैंड, एटमॉस्फेयर, ओशन पे पाया गया वो किस कारण से, तो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। ह्यूमन का एमिशन, ह्यूमन का कार्बन जो एमिशन, ह्यूमन का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, वो कितना टाइम्स ग्रेटर है, जो वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है, टोटल अगर वॉल्केनिक इरप्शन बात करें तो जितने वॉल्केनिक इरप्शन में जो ग्रीन हाउस गैस एमिट होता है उसका 100 टाइम्स अधिक जो है ग्रीन हाउस गैस ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण जो होता है वो एमिट होता है। उसके बाद ह्यूमन का एक्टिविटी जो है टोटल कितना कार्बन CO2 को एटमोसफेयर रिलीज करता है, कंट्रीब्यूट करता है, 10 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल जो ह्यूमन एक्टिविटी जो एटमोसफेयर में रिलीज करते हैं, जो कि नेचुरल प्रोसेस जैसे कि अंडरग्राउंड या जो कहीं पर भी नेचुरल प्रोसेस है या नेचुरल जियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा CO2 रिलीज होता है, उससे जो है 10 टाइम अधिक है। मतलब कह सकते हैं कि नेचुरल जियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा जो कार्बन रिलीज होता है वो क्या है, 10 टाइम कम है किससे, ह्यूमन एक्टिविटी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। उसके बाद क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है एटमोसफियर और ओशन में जो होता है वॉल्केनिक अकाउंट, वो कितने का, कितना टन का है, 260 मिलियन टन का जो कार्बन एमिशन है वो एटमॉस्फेयर में या फिर एटमॉस्फेयर में जाता है वॉल्केनिक अकाउंट की वजह से, वॉल्केनो की वजह से, ठीक है। उसके बाद फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से और डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई या फिर अदर ह्यूमन एक्टिविटी जो है कुल मिलाकर 40 से लेकर 100 टाइम जो है ज़्यादा जो है CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। तो ये सब की फाइंडिंग है। और भी है की फाइंडिंग, ये देखिए कुछ डायग्राम में आपको कुछ कितना जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ओशन से रिलीज होता है, कहाँ पर ट्रैप्ड होता है, ये फिगर पर देख कुछ समझ सकते हैं। उसके बाद ये हम लोग थोड़ा जान लेते हैं डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी क्या था, बैटरी क्या था। डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी जो है ये 1000 से अधिक साइंटिस्टों का एक ग्लोबल कम्युनिटी है जो कि 10 ईयर बेसिस पे वर्क कर रहे हैं। किस चीज़ को फाइंड करने के लिए, क्या चीज़ को देखने के लिए, तो क्वांटिटी, मूवमेंट, फॉर्म्स एंड ओरिजिन ऑफ कार्बन इन अर्थ। मतलब अपने अर्थ पे जो कार्बन्स का ओरिजिन है, क्या क्या फॉर्म में पाया जाता है, कैसे कार्बन का मूवमेंट है, कितने क्वांटिटी में पाया जाता है, मतलब कुल मिलाकर कार्बन को स्टडी करने के लिए अर्थ में ये डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी बनाया गया है। कम्युनिटी है, ग्लोबल कम्युनिटी, जिसमें 1000 से अधिक साइंटिस्ट है, 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे कर सकते हैं। अब ये कार्बन का स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कार्बन का स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि अपने अर्थ पे अपने लाइफ के लिए फंडामेंटल जो रोल है कार्बन प्ले करता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो है अपने अर्थ में वो कार्बन बेस्ड ही है, और कह सकते हैं कि साथ साथ जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है,
लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उसका बैकबोन क्या है, कार्बन ही है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मोस्टली कार्बन कंपाउंड ही कह सकते हैं। और कार्बन बेस्ड जो फ्यूल है मोस्टली हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। उसके बाद जो एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किस तरह से क्लाइमेट पे अफेक्ट डालता है, अगर उसके अमाउंट पे क्वांटिटी को इंक्रीज होता है या घटता है, तो वो सब जानना है। उसके साथ साथ फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल बिहेवियर कार्बन का स्टडी करने से हम लोग के स्टडी करने से और भी जानकारी हम लोग को अर्थ के इंटीरियर के बारे में, और भी जो कार्बन का अफेक्ट जो है टोटल सराउंडिंग में इन्वायरमेंट से, वो सब हम लोगों को जानकारी लेना है, ताकि हम लोग एक अच्छे से लिंक कर पाए और कार्बन का स्टडी कर पाए, लिंक कर पाए, जानकारी हो, और हम लोग अपना जो प्रॉब्लम है उसको, जैसे कि कार्बन एमिशन के कारण क्लाइमेट चेंज होता है, अगर स्टडी के बाद हम लोग को उसका रिलेशन पता चल जाए तो कुछ हद तक हम लोग उसको कम कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।